हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, लेकिन आप सबको पता है कि 15 से स्कूल ऑन हो गए थे तो मैं थोड़ा सा बिजी था। लेकिन आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूँ, और पाकिस्तान में जितने भी एप्पल के फैंस हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्पल सेप्टेम्बर लॉन्च इवेंट के बारे में। कुछ एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। उसी के साथ मैंने टाइम स्टैम्प भी दे दिए, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में जानना है आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग कोई भी अपकमिंग आईफोन्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो उनके लिए एप्पल एक सेपरेट इवेंट होल्ड करेगा अक्टूबर में, जिसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे नए एप्पल वॉचेस के बारे में और उसी के साथ नए आईपैड्स के बारे में जो लॉन्च हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज 6 के बारे में। अभी एप्पल की तरफ से आने वाली सबसे लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है, और हम सबको पता है कि एप्पल वॉच मार्केट में सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉच मानी जाती है। चाहे वो प्राइस हो जाए, बिल्ड क्वालिटी हो जाए या स्पेसिफिकेशंस हो जाए, एप्पल वॉच बाकी कॉम्पिटिशन से काफ़ी आगे निकल गई है। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बार, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और कलर्स के बारे में। अब डिज़ाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी को ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं इस बार एप्पल वॉच सीरीज 6 में। कुछ नए कलर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ पुराने हैं जिनको अपग्रेड किया गया है। नए कलर्स में आपको मिलता है एक ब्लू कलर, और इसी के साथ आपको एक ग्रे कलर भी मिल जाता है। लेकिन पहली बार आपको एप्पल वॉच में प्रोडक्ट रेड भी मिल रहा है, तो एप्पल के जितने भी फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे इस डिसीजन से, क्योंकि एप्पल पहली बार अपने वॉच लाइनअप में प्रोडक्ट रेड को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। उसी के साथ यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ इंप्रूवमेंट की गई है, जहाँ पर आपको ब्राइटनेस इंप्रूव मिलती है। ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स आपको ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिलती है अगर आप प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करेंगे इसको। और कुछ नए फीचर जो आपको मिलते हैं वो है लाइव एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग। अब ये एक नया फीचर एप्पल वॉच सीरीज 6 में, और फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रैक पे जाते हैं या आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, तो आपको आपकी वॉच के ऊपर लाइव एल्टीट्यूड शो हो रहा होगा। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक यूज़फुल फीचर है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस में। तो यहाँ ये आपको फीचर मिल जाता है एक नया। उसी के साथ आपको एक और फीचर मिलता है जिसके बारे में एप्पल काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रहा है, वो है ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग। और इस फीचर में आपकी एप्पल वॉच 15 सेकंड्स के अंदर आपके जो है ब्लड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर देगी। अब आजकल की सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है, एंड आई थिंक कि एप्पल ने काफ़ी सही टाइम पर इस फीचर को इंट्रोड्यूस करवाया है अपनी नई वॉच सीरीज़ में। उसी के साथ यहाँ पर आई थिंक कि इस फीचर की वजह से एप्पल काफ़ी ज़्यादा सेल्स जनरेट कर पाएगा इस फीचर की वजह से। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं एप्पल वॉच सीरीज 6 के ऊपर। वैसे तो एप्पल वॉच के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा टाइप की बैंड्स मिल जाते हैं, लेकिन इस बार एप्पल ने एक नई टाइप की बैंड को इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको एप्पल सोलो लूप का नाम दे रहा है। अब इस बैंड में आपको कोई भी बकल या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलती, डायरेक्टली आपको एक लूप मिल जाती है। अब इस बैंड को सिलिकॉन से बनाया गया है, एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मूव है एप्पल की तरफ से, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल बैंड होने वाला है ये। 7 कलर्स में अवेलेबल होगा ये, और उसी के साथ आपको ब्रेडेड सोलो लूप के नाम से भी बैंड्स मिल जाती हैं। तो बेसिकली सेम चीज़ है दोनों, लेकिन एक ब्रेडेड है, दूसरा सिर्फ सिलिकॉन से बनाई गई है। तो हाँ, यहाँ पर आपको जो ब्रेडेड सोलो लूप है वो आपको 5 कलर्स में मिलेगी, और सिंपल जो सोलो लूप है वो आपको 7 डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगी। तो गाइस, हम सबको पता है कि एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड है, और यहाँ पर जब भी एप्पल कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट लॉन्च करता है काफ़ी ज़्यादा हाइप जनरेट होती है मार्केट में, और एप्पल्स की सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। और ये चीज़ हमने आईफोन 11 और आईफोन SE 2 के साथ देखी। तो इस बार एप्पल एक नई वॉच को इंट्रोड्यूस करवा रहा है मार्केट में, जिसको एप्पल वॉच SE का नाम दिया जा रहा है। अभी एक अफोर्डेबल ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एप्पल वॉच को परचेज करना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको डिज़ाइन लैंग्वेज और फीचर्स ऑलमोस्ट एप्पल वॉच सीरीज 6 वाले यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको मी मोजी और जितने भी वॉच फेसेस एप्पल वॉच सीरीज 6 में मिलते हैं वो आपको इस वॉच में भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको चिपसेट मिलता है वो एप्पल वॉच सीरीज 6 से स्लो है, और एप्पल क्लेम करता है कि यहाँ पर जो इसमें आपको चिपसेट मिलता है वो एप्पल वॉच सीरीज 3 से ऑलमोस्ट 2 टाइम ज़्यादा फास्टर है। तो काफ़ी जो है अच्छा ऑप्शन होने वाला है उन लोगों के लिए जो एप्पल वॉच परचेस करना चाहते थे लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो आपके लिए यहाँ पर एक अफोर्डेबल ऑप्शन आ जाता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है आईपैड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपैड 8 जनरेशन के बारे में। तो हर साल की तरह इस बार भी एप्पल ने अपना सबसे पॉपुलर आईपैड लॉन्च कर दिया है, जो कि है 8 जनरेशन, जिसको आप सब जानते होंगे। ज़्यादा कुछ इंप्रूव नहीं किया गया आईपैड 7 जनरेशन से। आपको सेम डिज़ाइन मिल जाता है, 10.2 इंचेस का आपको फ्रंट साइड पर एक रेटिना डिस्प्ले मिलता है, 1.2 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट साइड पर कैमरा मिल जाता है, उसी के साथ आपको बड़े बेजल्स मिलते हैं, टच आईडी का आपको फ्रंट साइड पर सपोर्ट मिल जाता है, और बैक साइड पर आपको सेम डिज़ाइन मिलता है जो आपके 7 जनरेशन में मिलता है, उसी के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है।
तो ज़्यादा कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज में चेंज नहीं किया गया, लेकिन एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर की गई है जो कि है चिपसेट। इस बार आपको iPad 8 जनरेशन में मिलता है एप्पल का A12 चिपसेट जो कि प्रीवियसली iPad मिनी 5 में यूज़ किया गया था। तो पावर के लिहाज से काफ़ी एक डिसेंट अपग्रेड किया गया है, और जो लोग गेमिंग करते हैं अपने iPad के ऊपर या एडिटिंग करते हैं उनके लिए आई थिंक ये अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रीवियस दो जनरेशन से हमें iPad के ऊपर A10 चिप मिल रही है, लेकिन फाइनली इस बार हमें A12 चिप मिल जाती है। अब आते हैं हमारे सबसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट की तरफ जो कि है iPad Air 4 जनरेशन। अभी एप्पल की तरफ से नया iPad है एंड आई थिंक सितंबर के पूरे लॉन्च इवेंट में ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट था। यहाँ पर अगर फीचर्स की बात करें तो फ्रंट साइड पर आपको एक 10.9 इंचेस का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बेजल्स को रिमूव कर दिया गया है, और जो iPad Pro में आपको डिज़ाइन मिलता है वो डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर भी यूज़ की गई है, यानी आपको इसमें बेजल्स कम मिलते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उसी के साथ आपको टॉप साइड पर पावर बटन मिलता है जिसमें आपको टच ID का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी आपका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपके पावर बटन में आपको मिल जाता है। उसी के साथ बैक साइड पर आपको एक सिंगल कैमरा मिलता है जो कि है 16 मेगापिक्सल का, जिसके ऊपर आप 4K 60fps तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर आपको एक 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसके ऊपर आप 1080p तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको iPad Pro में मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपको दो कैमरास मिलते हैं, यहां पर आपको सिंगल कैमरा का बैक साइड पर सपोर्ट मिलता है। एप्पल कीबोर्ड और पेंसिल का आपको इस iPad के ऊपर सपोर्ट मिल जाता है, और iPad 8 जनरेशन में भी आपको इन दोनों का सपोर्ट मिलता है। यहां पर जो सबसे मेजर इंप्रूवमेंट की गई है वो है इस iPad का चिपसेट। अब इस iPad में आपको एप्पल A14 का चिपसेट मिल जाता है जो कि अपकमिंग iPhones में यूज़ होगा। करेंटली ये चिपसेट सिर्फ आपको iPad Air 4 जनरेशन में मिलता है, आपको iPad Pro 2020 में भी ये चिपसेट नहीं मिलता। और अगर आपको मैं इसके पावर के बारे में बताऊं तो ये iPad Pro 2020 से ऑलमोस्ट 40 टाइम्स फास्टर है CPU परफॉर्मेंस में और 20 टाइम्स फास्टर है GPU परफॉर्मेंस में। तो आई थिंक ये iPad काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है iPad Pro 2020 से, क्योंकि आपको डिज़ाइन लैंग्वेज वही मिल जाती है, बैक साइड पर आपको सिंगल कैमरा मिलता है, लेकिन आपको जो चिपसेट मिलता है वो करेंटली एप्पल के लाइनअप में सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो आपको अपकमिंग iPhones में भी यूज़ होता दिखेगा। तो इस iPad की प्राइस को देखते हुए जो इसमें चिपसेट यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, एंड आई थिंक आपको परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं आएगा। 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इस iPad में, 3 आपको रेगुलर मिलते हैं जो आपको बाकी iPads में भी मिल जाते हैं, रोज गोल्ड, सिल्वर एंड स्पेस ग्रे, लेकिन इस बार आपको 2 नए कलर्स मिलते हैं जो कि है ग्रीन और स्काई ब्लू। गाइस वीडियो यहां पर एंड हो जाती है, लेकिन अब बात करते हैं प्राइजेस के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें एप्पल वॉच सीरीज 6 के बारे में तो उसकी पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है 85,000। एप्पल वॉच SE की अगर बात करें तो उसकी पाकिस्तान में प्राइस रखी गई है 65,000। और इसी के साथ अगर iPads के बारे में बात करें तो अगर आपको मैं सबसे पहले iPad 8 जनरेशन के बारे में बताऊं, 2 वेरियंट्स आपको मिलते हैं 32 एंड 128 GB। इस बार प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है 7 जनरेशन के हिसाब से, लेकिन आपको जो 32 GB की प्राइस मिलती है वो है 75,000। 128 GB वाला जो आपको वेरियंट मिलता है iPad 8 जनरेशन का, उसकी पाकिस्तान में प्राइस है 95,000। iPad Air 4 जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 2 वेरियंट्स मिलते हैं 64 एंड 256 GB। 64 GB वाला जो वेरियंट है उसका आपको पाकिस्तान में प्राइस मिलती है 135,000 यानी 1,35,000। और आपको जो 256 GB वाला वेरियंट मिलता है उसकी पाकिस्तान में प्राइस है 165,000 यानी 1,65,000। तो गाइस मैंने आपको प्राइसेस के बारे में बता दिया है, और उसी के साथ मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस भी बता दी हैं सबकी। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इन चारों प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन गाइस वीडियो लीव करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।